आज हम जानेंगे लोडिस को आप कैसे इस्तेमाल करके सबसे बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। ये हो गया लोडिस, 6 टंकी का है और 1 बीघा में 6 टंकी का लगता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 57.5 ml का दिया हुआ है। हम ले लेंगे शक्तिमान कंपनी का एट्रोजिन। घोलने का सबसे अच्छा प्रोसेस है, लोडिस को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो घोल बनाने का प्रक्रिया सबसे ज़्यादा ध्यान में आप लोगों को रखना है। कैसे आपको घोल बनाना है, किस तरह दवाई को घोलना है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 2 बाल्टी लिए हैं और इसमें हम लोग ये ढक्कन लिए हैं, इसमें घोल बनाएंगे। इसमें घोल बनाने के बाद हम लोग इस बाल्टी में ढाल देंगे। शुरू करते हैं कैसे घोल बनाया जाता है, और एक बहुत ही सावधानी रखना है आप लोगों को। वो आप वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को अपने खुद ब खुद पता चल जाएगा। और आप लोडिस का सबसे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उस प्रोसेस को हम आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। पहले हम जो 57 ml का जो पाउच है, डब्बा आता है, उसको पहले हम लोग बढ़िया से इसमें बाल्टी है, इस बाल्टी में ढाल देंगे। पहले ढालने का बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया से धो देंगे, क्योंकि इसमें और भी है लगा हुआ है, इसलिए इसको बढ़िया से हम लोग गिला जुला के ढाल देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दूसरा बाल्टी लिए हैं। ये बाल्टी यहाँ पे रखेंगे और इसको पहले बढ़िया से घोलेंगे। मेरे पास मोजा नहीं है, तो आप लोग मोजा का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप लोग एक साथ तीनों दवाई को अगर घोल देते हैं तो वो दवा दूध का तरह फटने का संभव है और आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसको अलग अलग कर घोल के एक ही बाल्टी में रखना है। इसको अच्छी तरह से घोलना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस तरह आपको घोल बना के निर्मा का तरह उसको बढ़िया से फटाना है। निर्मा का तरह 5 मिनट आप बढ़िया से इसको घोल देना है। जो रिजल्ट वो भी बहुत ही बढ़िया और फर्स्ट क्लास देखने के लिए मिलेगा। आप एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस कर देते हैं तो आप इससे बेहतर रिजल्ट नहीं पाएंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए इसको, देखिए आप दूध के तरह जो छाए पड़ता है उसके तरह पूरा निर्मा का जो पानी का तरह छाँच आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना जबरदस्त घुला है। तो आप देख सकते हैं इस दूसरा बाल्टी में हम इसको डालेंगे, दूसरा बाल्टी में डाल देंगे। देखिए देखिए कितना बेहतरीन। तो इस दवा सल्फेक्टेन आता है, इसको लेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फेक्टेन यहाँ पे। इसके बाद इसको ढालेंगे यहाँ पे, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। इसका 1-2 ढक्कन पानी लेंगे, इसके बाद इसको घोलेंगे और यही वीडियो करने के लिए शायद मेरा जो मिल वाला है पैसा नहीं भेजा है और आज धान की खरीदारी नहीं कर पाए हैं। हम और भी 2-3 बिजनेस करते हैं आप लोगों को। हम इसको भी बढ़िया से घोल बनाएंगे। आप लोग मोजा का और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हर बोतल को आप 5 मिनट बढ़िया से घोल बनाइए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी हम लोग निर्मा का तरह 5 मिनट घोलेंगे और उसका छाँच बनाएंगे, जैसे कि बढ़िया से घोल तैयार हो और रिजल्ट भी सबसे मस्त और बेहतरीन हो सके। इसको जितना आप फिनिशिंग अच्छा करोगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और उतना भी कमाल होगा, क्योंकि आप कहते ना जो आटा को जितना आप गूंथेंगे उतना ही मुलायम होगा तो रोटी बहुत ही बढ़िया पकेगा। तो इसी तरह बढ़िया से आपको घोलना है। देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में कितना अच्छा बेहतरीन घोल बन चुका है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर इस बाल्टी में फिर से ढाल देंगे, इसको इकट्ठा मिला देंगे। उसके बाद शक्तिमान कंपनी का लिया हुआ है, आप जितना
माल ब्रांडेड में जाइएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। आपका एरिया में जो भी कंपनी का एट्राजिन आता है आप लेके बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम डाल दिए हैं फूल को। हम इसको ये 6 टंकी का डोज है, ये 6 टंकी का डोज है, तो इसके लिए हम इसको डालेंगे 300 ग्राम एट्राजिन डालेंगे। 300 ग्राम एट्राजिन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। एट्राजिन को भी बढ़िया से घोलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को तकलीफ उठाना नहीं पड़े और आप आसानी से कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, इसके लिए हम लोग आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसा कोई नहीं दिखाएगा, A to Z हम जानकारी आपको देते रहेंगे। देखिए कितना बढ़िया और मस्त घोल बना है। फिर से हम इकट्ठा डाल देंगे। डाल देने के बाद हम तीनों को एक साथ घोल देंगे। आप लोगों का मन में ये सवाल जरूर रहेगा, जो हम एक जगह में ढाल इकट्ठा कर दिए हैं तो हम लोग एक साथ घोल क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इसका प्रोसेस यही है, अगर आप एक साथ सारा दवाई को ढाल के अगर घोल बनाइएगा तो इसमें दूध की तरह फट जाएगा और आपको कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक एक करके ही घोलना है। घोलने के बाद इकट्ठा जमा कर देना है। जमा करने के बाद 6 भाग करके 6 हिस्सा करके इस पाम में 6 टंकी बराबर ढाल देना है। तो वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।